स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ज्योमेट्री चल रही है, राकेश यादव क्लास नोट्स। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है किसी अधिकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का बाह्य कोण विभाजक सीबी के बड़े हुए भाग को एम पर और एंगल सी का बाह्य कोण विभाजक एबी के बड़े हुए भाग को एन पर काटता है। किस प्रकार डायग्राम बन रहा है मैं समझा दूंगा। एंगल बी हमसे पूछा गया है। इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है जो लिखी भी होनी चाहिए थी, वो ये होना चाहिए था कि हमें गिवन है एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मतलब एंगल ट्राइंगल नहीं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जो आपका अधिक कोण है वो कोई और नहीं, वो आपका एंगल बी खुद है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये ए, ये बी और ये सी। वो कह रहा है एंगल ए का जो बाह्य कोण है उसका द्विभाजक सी बी के बड़े हुए पॉइंट पर मिल रहा है, वो मान लीजिए एम है। इसी तरीके से इसका जो एंगल बाइसेक्टर है बाह्य, वो एबी के बड़े हुए भाग को मिलता है एन पर। इस तरीके से ये और ये आपस में बराबर बताया जा रहा है। एम ए, ए सी और सी एन, ये आपस में बराबर बताया जा रहा है। ये आपके एंगल बाइसेक्टर है। कौन से वाले? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। हमें कोई भी एंगल अब गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एंगल बी की वैल्यू बतानी है। किस प्रकार बतानी है समझिएगा। ये पूरी एक लाइन है ना, ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ये लाइन स्ट्रेट है, ए एन स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन पाया है, लाइन स्ट्रेट है राइट। अब देखो ये एंगल एक्स होगा तो इस वाले एंगल को एक्स मानूंगा या नहीं मानूंगा? मानूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे मत करो। देखो आप और समझा, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल एम ए सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है। इसके सामने वाला एंगल अगर एक्स मानूंगा तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा। होगा या नहीं होगा? ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। ठीक है, यहां तक। अब देखिएगा, सॉरी इसके सामने वाला एंगल एक्स हो गया, सामने ठीक है। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के एंगल के सामने और ये वाला एंगल सेम होगा, मतलब ये वाला आपका एंगल वाई होगा। तो इस सामने वाला एंगल आप वाई मानोगे या नहीं मानोगे? वाई मानेंगे। अगर ये एक्स है तो ये पूरा एंगल 180 होता है, मतलब ये 180 माइनस एक्स है और ये 180 माइनस एक्स का हाफ हो गया 90 माइनस एक्स बाई टू। सेम चीज यहां आ गई, 90 माइनस वाई बाई टू। अब आप देखिए ये दो लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही, मतलब ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? एंगल बराबर होंगे। इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम करके 180 में से घटाना है। इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम करके 180 में से घटाना है। और जब बराबर करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी, वो क्या मिलेगी? एक्स बराबर वाई। क्या बराबर करेंगे? कि इन दोनों का सम करेंगे, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा। इन दोनों का सम करेंगे, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा। और दोनों एंगल बराबर होंगे। जब दोनों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी एक्स बराबर वाई। जैसे ही एक्स बराबर वाई हमको मिलेगा, एक ट्राइंगल पूरा देखो, आगे कंप्लीट ट्राइंगल हमें दिख रहा है, एक्स प्लस 90 माइनस वाई बाई टू प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये हमें गिवन है। ये वाई बराबर और कुछ नहीं हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स है। एक्स एक्स और एक्स 3x माइनस एक्स बाई टू मीन्स 5x बाई टू। तीन में से आधा गया, ढाई बचा, 5x बाई टू, 90 वहां चला गया तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कैंसिल आउट 18, ये 2 यहां गया तो x बराबर 36। अब देखो x की वैल्यू 36 आ गई और y की वैल्यू भी कितनी होगी? 36 होगी। यही इसके बराबर हो गया, x बराबर 36 इक्वल टू y हो गया। 36 72, 180 में से 72 डिग्री गया तो कितना आ गया मेरे पास? 108 डिग्री। ये आपका एंगल बी आ गया, 36 वहां उतर गया तो ये एंगल आपका बी आ गया, 108 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। जब भी क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगे, क्वेश्चन का डायग्राम जो है थोड़ा बड़ा बना लीजिए, मैं हर बार कहता हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, बड़े आसानी से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन को,
हमें दिया हुआ है यहाँ ए बी सी, ये डी ई लाइन कोई पैरेलल नहीं है, डी ई लाइन कोई पैरेलल नहीं है, अपने मन से पैरेलल नहीं मानना है, राइट। हमें एंगल बी बराबर एंगल सी दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल सी मतलब ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना। अभी बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, बी सी डी ये वाला आपको दे रखा है 24 डिग्री, ई बी सी की वैल्यू दे रखी है, ये आपको दे रखा है 51 डिग्री, ये पूरा एंगल 78 यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये एंगल मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना मिलेगा 54 डिग्री मिलेगा, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जो एंगल पूछा है वो डी ई बी पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है हमसे, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा इसको। अपन कुछ एंगल्स निकालते हैं, क्या है ट्राइंगल बना हुआ है डी बी सी, डी बी सी में देखो ये 78, ये आपका 24, तो अगर मैं 78 और 24 को ऐड करूंगा और 180 में से घटाऊंगा तो यहां कितना आ जाएगा 78, यहां पर 78 है और ये 78 है 156, तो रिमेनिंग कितना हो गया 24 डिग्री, यहां तक एकदम क्लियर चीजें बन रही है। एक ये ट्राइंगल दिख रहा है ई बी सी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ईबीसी में ये 51 है प्लस ये वाला जो एंगल है 78 है, अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 7 और 5 12 129 डिग्री, अगर 180 में से मैं लेस कर दूंगा तो मेरे पास 51 डिग्री बचेगा, मतलब ये वाला एंगल मेरा 51 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्राइंगल में बात करूं तो क्या ये दोनों 78 है या नहीं है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हुई या नहीं हुई, बराबर हो गई, ठीक है। देखना कौन साइड 78 के सामने वाली साइड और यहां 78 के सामने वाली साइड, ये ट्राइंगल है ये 51 51, तो इसके सामने वाली साइड जो है वही साइड इसके सामने वाली होगी, क्या ये बराबर हुई या नहीं हुई, तो यहां से मुझे पता चल गया ये दोनों साइड क्या है मेरी इक्वल है। अब इस ट्राइंगल में देखिए, वन आपका सम होता है 180 डिग्री सारे एंगल्स का, उसमें एक एंगल 54 है, अगर 180 में से 54 में हटा भी दूं तो 10 में से 4 गए 6, 17 में से 5 गए 12, 126 डिग्री, तो ये वाला आपका एंगल एक्स कंप्लीट और ये एंगल एक्स हाफ होगा नहीं होगा, मतलब ये भी आपका 63 हो गया और ये भी आपका 63 हो गया, मैं सही कह रहा हूं, आप दोबारा समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, बड़े आराम से चीज समझ में आ जाएगी। मैं ऐसा कह रहा हूं ये आपका एंगल 54 है, ये सम है आपका 180, एक एंगल ये दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये, 180 में से 54 गया, 10 में से 4 गए 6, 17 में से 5 गया 12, 126 डिग्री, 126 इन दोनों का सम होगा और दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, आमने सामने वाला एंगल बराबर है, इसलिए एक एंगल जो होगा वो डिवाइड बाय 2 63 डिग्री का हो जाएगा। अगर 63 डिग्री का है ये पूरा तो 63 में से 51 लेस होगा तो आपका एंगल बन जाएगा 12 डिग्री का, मतलब ये वाला 12 डिग्री एंगल आ गया। आई होप चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए बी सी डी वर्ग है, बी सी एन समबाहु त्रिभुज है और हमसे ए ओ सी ऐसा कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, देखो जितना अच्छा डायग्राम बना हुआ होगा ना तब चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और इसको आपने ऐसे मिलाया ए ओ एन ए बी सी और डी, ए बी सी डी वर्ग है। अब आप जानते हो ये वर्ग है तो ये 90 होगा और ये 60 होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल के साथ साथ देखें 90 और 60 कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा, हमें पूछा गया है ए ओ सी, मतलब अगर ये वाली वैल्यू निकल गई तो मेरी सारी वैल्यूज निकल जाएगी। आप बताओ ये एंगल और ये साइड बराबर होगी या नहीं होगी, क्यों होगी, स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होगी और इक्विलेटर है तो तीनों बराबर होंगे। अब ये और ये बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। ये पूरा 150, ये पूरा 150, 180 में से 150 का कितना बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री के दो हिस्से कर लेते हैं, यहां 15 आ गया और यहां भी 15 आ गया। अब इन दोनों का सम जो होगा वही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105, और यही तो आपसे पूछा हुआ है AOC 105 डिग्री, इट्स माय आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन ये बड़ा आसान है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत आराम से समझिएगा। स्क्वायर के अंदर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, और एक आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, मेरे से ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला ओ, डायग्राम इस तरह दिया हुआ है, ए बी सी डी। अगर ओ सी डी इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ये डायगोनल है तो ये 60 होगा, लेकिन ये तो 45 होगा, डायगोनल है इसलिए, तो 60 और 45 105, तो ये वाला 75 डिग्री होगी ऑटोमेटिकली। तो बड़े आराम से आंसर आ गया, जो एंगल पूछा था मेरा आंसर आ गया 75 डिग्री। क्या कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 16th नंबर क्वेश्चन। ये यहाँ जो डी पॉइंट है ना, ये एसी के ऊपर है, ये गिवन नहीं होगा या लिखा हुआ नहीं होगा, डी पॉइंट इज ऑन एसी। अब इसका डायग्राम देखिएगा, ए बी और सी डी पॉइंट एसी के ऊपर मान लेते, मुझे बोला हुआ है एडी, मतलब बीडी को मिलाना पड़ेगा, एडी डीबी और बीसी आपस में क्या है, बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये आपस में बराबर है, एंगल बी पता लगाना है कितना होगा, मतलब आपको एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करता है, ये अगर एक्स होगा तो सामने वाला भी क्या होगा, एक्स होगा। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसका अपोजिट देखो, ये एक्स और ये एक्स, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, सॉरी अपोजिट एक्सटीरियर एंगल तो नहीं मिलेगा, एक मिनट, ए डी डी बी एंड बी सी ये बराबर है, एक्स एंड एक्स, ओके सॉरी, हम एक काम और कर सकते हैं, यहां से आ सकते हैं, अगर सपोज ये एक्स है और ये एक्स लेते हैं आमने सामने वाला, ये दोनों साइड्स बराबर है ये वाली भी, अगर ये एक्स है और ये एक्स है तो इसका ये जो एंगल होगा ये 2x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 2x तो यहां भी कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। देखो अगर यहां x माना होता तो हमें मुझे x by 2 और x by 2 लिखना पड़ता, ये थोड़ा इस तरह लिखना पड़ता, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। अब देखिए ये 2x तो ये कितना आ गया, 180 माइनस 4x। अब आप चाहें तो एक ट्रायंगल का सम कर सकते हैं, एक मिनट कहीं भी ट्रायंगल का सम करने पर मुझे हमेशा 180 ही मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा। ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा 2x, इसके सामने वाला एंगल भी 2x होगा, राइट। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये दोनों साइड्स तो बराबर है, इसके सामने वाला एंगल वही होगा जो इसके सामने वाला एंगल है, मतलब इस वाले एंगल को x होना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है कि इसको x होना पड़ेगा, क्योंकि ये 2x है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 2x होना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, x plus x plus x plus 2x equal to 180 degree means 5x equal to 180 degree, x equal to 36 degree। मुझसे पूछा हुआ गया है एंगल b की वैल्यू, एंगल b means 2x, 2x का मतलब हो गया 72 degree। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।